Children, let's begin with chapter number 44, that is pollution. Look at the picture given below. Put a tick mark against A if the picture shows air pollution, against W if it shows water pollution, against N if it shows noise pollution, and against R if it is helpful in reducing pollution. See the first picture, children. यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें? यहाँ दिख रहा है कि इंडस्ट्रीज में से स्मोक एमिट हो रही है. सो दिस कॉजेज एयर पोल्यूशन. सो यहाँ पे हम एयर पोल्यूशन को टिक करेंगे. सी द सेकेंड पार्ट. यहाँ पे एक लेडी यूटेंसिल्स वॉश कर रही है रिवर के पास. सो शी इज पोल्यूटिंग वॉटर. तो आप यहाँ पे W को मार्क करेंगे. एंड हियर अ गर्ल इज थ्रोइंग ऑल द वेस्ट मटीरियल्स इनटू अ डस्टबिन. शी इज हेल्पिंग इन रिड्यूसिंग पोल्यूशन. तो वो हेल्प कर रही है पोल्यूशन को कम करने में. सो आप यहाँ पे R को टिक करोगे. सी इन फोर्थ केस, अ मैन इज बेदिंग इज एनिमल इन द वॉटर. तो ये क्या कर रहा है? ये वॉटर को पल्यूट कर रहा है. सो हम यहाँ पे W को टिक करेंगे. Here, a girl and a boy are watering a plant. तो ये क्या कर रहे हैं? They are helping in reducing pollution. So हम यहाँ पे R को टिक करेंगे. In this case, a small boy is using his cycle. तो बच्चा साइकिल चला रहा है. So यहाँ पर भी वो हेल्प कर रहा है in reducing pollution. यहाँ पे बच्चे crackers burn कर रहे हैं. तो क्रैकर्स बर्न करने से क्या होता है? स्मोक निकलती है जो कि एयर को पल्यूट करती है. सो हम यहाँ पे ए को टिक करेंगे. एंड हियर आप देख सकते हो यहाँ पे कितना शोर है कि ये गर्ल अपने कान बंद कर रही है. सो दिस शोज नॉइज पल्यूशन.